अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी शहजाद खान, आप लोगों के अपने चैनल फनी पाकी से एक बार फिर आज हम अफ्तारी करने आए हैं और अफ्तार प्लस डिनर है ये बुफे, और बुफे हम इस वजह से दिखा रहे हैं यार, लोग बड़ा डिमांड कर रहे हैं बुफे होना चाहिए। सनी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ सनी यूट्यूबर और आज बिल्कुल हम अफ्तार पे पहुंच चुके हैं और प्लस डिनर भी है, तो आपको बुफे भी दिखाएंगे भाई। तो और सबसे बड़ी बात ये कि अफ्तार का टाइम होने वाला, अजान की आवाज कहीं कहीं से आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर देखे वीडियो बना रहे हैं, अफ्तार से पहले की वीडियो बनाना जरूरी था और सनी और मैं एक साथ आए। जो कहीं कहीं से आवाज आ रही है ना, वो आवाज नहीं है, वो नाच की आवाज होगी, आपको ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई फ्रूट बेच रहा है। वैसे ही भाई खैर जी, अभी कम से कम 3 मिनट या 2 मिनट बाकी है हमें अफ्तार अंदर लेने की, जो है वो आवाज आ चुकी है, भाई अफ्तार ले लें आप अपना। खैर जी, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, आप लोगों को दिखाएंगे लेविश डाइन का ये सेकंड हमारा जो है वो अफ्तार डिनर है। पिछले साल भी हमने किया था, इस साल क्या कोई नया है, दिखाते हैं आप लोगों को। बिल्कुल, आज कुछ नया देखेंगे और पिछले साल से कुछ चेंजिंग है, तो आइए देखते हैं, हम बुफे की तरफ चलते हैं। तो चलें शहजाद, चलें। तो जनाब अंदर का थोड़ा सा एंबियंस मैं आप लोगों को दिखाया, तो एंटर होते ही राइट साइड पे बुफे पूरा अरेंज हुआ हुआ है, जहाँ से आप अफ्तार और डिनर दोनों इंजॉय करेंगे। एंटर होने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली का एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी जगह है जहाँ पर आप लोग आकर अपने फैमिली के साथ डिनर और बुफे इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब अफ्तार के मेन्यू की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के सैलेड और रायता और साथ में खजूर है, और इससे आगे हम जाते हैं देखते हैं मेन्यू में, हमारे पास ये है 7वें नंबर 1 पे फ्रूट चाट है, चना चाट है, इसके बाद उसके बिल्कुल बराबर में पकोड़े हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं कुछ फ्राइड आइटम्स में हमारे पास कबाब शामिल कबाब है जी, ये हमने जो है वो अफ्तार लिया है, रोल कबाब और खजूर वो साथ में पकोड़े, तो देखते हैं शामी कबाब भी है, लेकिन यह कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आइटम जो है वो कम है, लेकिन हम रिव्यू करेंगे पूरा, हम आपको डिटेल बताएंगे एंड में, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल जो है हम अफ्तार करते हैं, और अफ्तारी जो है वो एंड हो चुकी है और हम फारिग हो चुके हैं, और अभी जो है वो अब हम वेट कर रहे हैं डिनर का, डिनर लगने वाला है। अच्छा, अफ्तारी का अगर कंपैरिजन करें मैं, तो भाई कंपेयर करूँगा सनी पिछले दफ़ा से और इस दफ़ा से, तो सबसे पहले तो मैं अपनी अपना व्यूज़ देने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या अफ्तारी कैसी थी। देखिए, पिछली दफ़ा से जो अब की जो अफ्तारी थी ना, वो बिल्कुल कम थी, और कम से मुराद ये है कि मुझे चीज़ें बहुत कम लगी, आइटम्स बहुत कम लगी, जैसे कि जो है वो अगर हम रोल समोसों की बात करें तो सिर्फ हमें जो है ना समोसे के अलावा सिर्फ रोल ही नज़र आए, ठीक है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यार अफ्तारी बहुत कम थी, देखते हैं डिनर में जो है वो क्या होता है। अच्छा सनी, सेटिस्फाई नहीं हुआ तुम्हें? मज़ा नहीं आया? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। अच्छा सही बात है, मैं भी सेम रिव्यू देना चाहूँगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, जो हम लास्ट टाइम आए थे, लास्ट ईयर बल्कि यहाँ पर आए थे लेविश डाइन पे, तो हमने अफ्तार किया था, जहाँ पर भी हम बैठे हैं इस जगह पे अफ्तार का पूरा सीन था, इन्होंने बुफे जो है वो थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र तो किया गया, लेकिन जो है वो मेन्यू में जो है वो बहुत सारी चीज़ें कम लगी मुझे, कम इस सेंस ये कह लें कि देखिए रोल वगैरह जो है वो नॉर्मली बंदा घर पर भी खाता है, चना हो गया और ये सारी चीज़ें, बाकी दूसरे आइटम्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दूसरा तीसरा आइटम इतना अच्छा मुझे कोई ख़ास दिखा नहीं, सिवाय एक शामी कबाब के था जो कि पिछले साल भी मौजूद था। इस दफ़ा जो है वो चीज़ें बहुत कम लगी मुझे, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन मैं रेट करूँगा इसको 5 out of 10। मैं अगर करूँ तो मैं, अगर आपने 5 किया ना, तो मैं 4 करूँगा, क्योंकि 4 का मतलब ये है ना कि चीज़ें भी 4 ही थी। चीज़ें भी 4 थी, सही चीज़ थी। देखिए ये हमारा जो है वो सबसे चैनल में, अगर आप आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आप इफ्तार बुफे ढूंढ रहे हैं 2023 में, तो यहाँ पर ट्रू रिव्यू हम देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ट्रू रिव्यू ये है कि भाई इतना हमें मज़ेदार नहीं लगा अफ्तार। अब डिनर देखते हैं कैसा होता है, उसकी भी आइटम की हम वीडियोज़ आपको दिखाते हैं, और आप लोग ये फिर जज करिएगा कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो 1600 पर हेड है यहाँ पे, सही है, 1600 पर हेड है, तो अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये इकोनॉमिकल है डिफरेंट जगहों से और आप दोनों चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि आप आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, भले प्राइस का कोई इशू नहीं हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अब हम चलते हैं डिनर की तरफ, देखते हैं डिनर में क्या चीज़ है। ओके जी, और डिनर की मेन्यू की मैं बात कर देता हूँ, डिनर में मेन्यू बड़े कम थे लेकिन अच्छे थे, और साथ में ये आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के सैलड्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा चटनी, रायता
सबसे पहले नंबर पे आता है ये इनकी जो है मोस्ट फेवरेट बिरयानी, जिसको चिलबन बिरयानी कहते हैं, और उसके बिल्कुल बराबर में आप लोगों को दिख जाएगी बीफ की कढ़ाई, जो कि वाकई बहुत ज़बरदस्त थी, हलीम है, और उसके साथ साथ वेजिटेबल चाउमिन, और इसके अलावा जनाब यहाँ पर चिकन ककसी कबाब, और उसके बिल्कुल बराबर में चिकन के कुछ फ्राइड जो कि कहलाती हैं आइटम्स वो हैं, और रोगनी नान है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिनर की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, डिनर में हमारे पास क्या कुछ था, कौन कौन से आइटम्स है, सब आप लोगों ने देख लिया है, और डिनर हम लोगों ने फिनिश भी कर लिया। अब आ गए हम रिव्यू पे, कि हम ये बताएं कि आप लोगों को कि यहाँ का खाना वाकई कैसा था, पिछले दफ़ा की बनिस्बत अभी के टेस्ट में चेंज आया है या वैसे ही है। तो बिरयानी और दीगर चीज़ों के हिसाब से मैं ये बोलूँ तो टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, मेन्यू के अंदर क्वांटिटी के अंदर चेंजेस हैं जो कि मुझे कम लगी हैं इस दफ़ा। फ़िश का आइटम हमारे पास मिसिंग था, और साथ में दो तीन आइटम मेरे हिसाब से जो मोटे मोटे आइटम्स हैं वो मिसिंग मुझे लगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। मटन का आइटम एक भी नहीं था हमारे पास, और इस तरह बीफ का आइटम था और चिकन थे, चिकन का आइटम में जिसमें आपने देखा चिकन के पीसेस, फ्राई पीसेस थे, और साथ में चिलमन बिरयानी जो कि यहाँ की मोस्ट फेवरेट जो कहलाती है। अच्छा, ओवरऑल मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ सबसे पहले, और नंबर भी दे देता हूँ, सनी उसके बाद नंबर देगा। तो ओवरऑल मैं अगर रेटिंग करूँ तो मैं ये रेट करूँगा 6 करूँगा आउट ऑफ 10, और हो सकता है कि कहीं पर अगर मैं प्राइस वाइज अगर कंपेरिजन मैं करूं तो उसको 7 भी दे सकता हूं, क्योंकि प्राइस वाइज ये जो है वो इफ्तार प्लस डिनर अच्छा है, नो डाउट। अगर इकोनॉमिकल है, अगर आप आना चाहते हैं फैमिली के साथ और कम पैसों में इफ्तार प्लस डिनर जिसको कहते हैं ना यार सस्ता और टिकाऊ खाना चाहते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा आपको लगेगा और अच्छा भी लगेगा। सारी चीज़ें कवर्ड है जिसमें से चाय, इफ्तार, डिनर, एवरीथिंग। तो आप लोग आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। रेट मेरा यही होगा कि भाई मैं इसको रेटिंग दूंगा 6 out of 10। बाकी सनी पे डिपेंड करता है, सनी भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा सनी पिछले दफ़ा की बनिस्बत और इस दफ़ा की। अच्छा, जैसे कि शहजाद ने बताया कि इफ्तार प्लस डिनर था, तो मैं तो पहले तो ये आपसे कहूँगा कि जैसे कि 1600 पर हेड यहाँ का जो है वो रेट था, तो जैसे कि देखा जाए तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि पालक पनीर मिस था हमारे पास, फिश मिस थी, तो देखा जाए तो पिछले से अच्छा ये है कि 1600 पर हेड बहुत अच्छा रेट है, और बहुत अच्छा बुफे था यहाँ पर। तो मैं अगर रेट दूँ तो शहजाद मैं 7 दूंगा, क्योंकि 1600 पर हेड के हवाले से अगर देखा जाए तो इफ्तार प्लस डिनर बहुत अच्छा था, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा था, और बिल्कुल बिरयानी स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। एनवायरनमेंट का बताया, फैमिली वगैरह? देखिए, एनवायरनमेंट ऐसा है कि फैमिलीज को लाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और एक सेपरेट जो है वो जगह दी जाती है यहाँ पर डाइनिंग पर, और जैसे कि डाइनिंग अगर आप फैमिली के साथ, आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको एक सेपरेट डाइनिंग टेबल दिया जाएगा, वहाँ पर आप सर्व करा जाता है वहाँ पे, तो बासानी आप यहाँ पर आ सकते हैं। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए शहजाद, तो खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली बिरयानी बहुत अच्छी थी यहाँ की। ठीक है, अच्छा, बिरयानी यहाँ की मोस्ट फेवरेट है, और अगर बिरयानी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, डेजर्ट वगैरह की चीज़ों? अच्छा, बिल्कुल, डेजर्ट के हवाले से अगर मैं आपको रेफ़र करूँ तो यहाँ पर जैसे कि फ्रूट राइफल बहुत अच्छा है। फ्रूट राइफल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खीर का मुझे थोड़ा सा जो है वो इतना अच्छा उसका टेक्सचर लगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कह लेंगे वो फिलअप नहीं था, चीज़ें जो है उसके बड़े वाजा हो रहे थे, तो खीर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, फ्रूट राइफल अच्छा था, और इसके अलावा खाने यहाँ पर एवरेज थे। मैं बहुत ज़्यादा ओवर रेट नहीं करूँगा कि आप ये सोच कर कि बहुत अच्छा खाना था, ओवर रेट नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज है, तो एवरेज के लिहाज से सोच कर आइएगा। और इस वजह से हम ये बताते हैं ताकि आप लोगों को हमें आसानी हो इस वीडियो को देखकर कहीं पर भी जाने के लिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, लेविश टाइम की देख रहे हैं या नवाबिश की देख रहे हैं या किसी की भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता चले कि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाना कैसा मिलेगा। शहजाद, ऐसा ही है, और जैसे कि आपकी जेब इजाज़त देती है, कम पैसों में अगर आप अच्छा इफ्तार प्लस डिनर करना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ आप आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी है, पिछले दफ़ा मेन्यू ज़्यादा था, इस दफ़ा मेन्यू कम था। इसकी मोस्ट जो सबसे मेन वजह ये लगती है कि महंगाई भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद भी जो इनका रेट
वही ये 1600 है जो कि अब अभी भी इनका 1600 है, तो मेरे हिसाब से तभी उन्होंने मेन्यू में चीज़ों को कम किया। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि बजट के हिसाब से जो है वो जो प्राइस दिया था वो बहुत अच्छा था, और मेन्यू भी वैसे ही है, कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मगर जैसे जैसे कि आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई के साथ साथ जो है वो बिल्कुल सही लगा। ये सही है भाई, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ आएँ, इन्जॉय करें कम रेट में, इकोनॉमिकल प्राइस में, अगर आप इफ्तार प्लस डिनर इन्जॉय करना चाहते हैं, बूफे का मज़ा लेना चाहते हो, आप आ सकते हैं। हम देते हैं टूर रिव्यू इस वजह से ताकि आप लोगों को पता चल सके, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल लाइक एंड शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल का नाम बिल्कुल फनी बागी रेडियो है, तो सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपको पहले दिखेगी। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।